नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़ लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राशन दुकानों से घटिया अनाज की आपूर्ति, अमरावती जिले में ब्लैक फंगस के एक्टिव 30 केस, 150 रेमडेसिविर इंजेक्शन का वितरण। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। राशन दुकानों से घटिया अनाज की आपूर्ति। सरकारी राशन दुकान से जो अनाज बांटा जा रहा है वह घटिया दर्ज का रहने का आरोप MIM शहर महासचिव अहमद शाह ने लगाया है। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, इस स्लोगन को सामने रख MIM शहर महासचिव अहमद शाह ने सरकारी राशन दुकानों से वितरित होने वाले अनाज के संदर्भ में कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री पहले अपने घर में इस्तेमाल कर इसका स्वाद चखे, फिर गरीबों को वितरित करवाए। सरकारी राशन दुकान से जो अनाज बांटा जा रहा है वह घटिया दर्ज का रहने का आरोप शाह ने लगाया है। कोरोना महामारी को मात देने के लिए शासन की ओर से लॉकडाउन घोषित किया गया। लॉकडाउन से सभी दुकानें, प्रतिष्ठान और सभी प्रकार के काम धंधे बंद पड़े हैं। रोज कमाकर खाने वालों के समक्ष परिवार के निर्वाह का संकट निर्माण हुआ है। इस विपदा की घड़ी में राज्य के मुख्यमंत्री ने बड़े गाजे बाजे के साथ ऐलान किया कि सरकारी राशन दुकान से आर्थिक रूप से कमजोर परिवार को निशुल्क राशन वितरित किया जाएगा। इस विषय को लेकर MIM के शहर महासचिव अहमद शाह ने महाविकास आघाड़ी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्तमान में राशन दुकानों से जो गेहूं चावल दिए जा रहे हैं उन्हें देखकर क्वालिटी समझ में आती है। जो कोई नहीं खाता वह गरीबों को परोसने का काम किया जा रहा है। अहमद शाह ने आरोप लगाया कि सरकारी अनाज दुकानों से जो गेहूं दिया जा रहा है उसमें दाने जले हुए हैं, कुछ तो अधपके हैं। यही हाल चावल का भी है। चावल में जो मिश्रित दिखाई देता है, लॉकडाउन के नाम पर शासन ने जो सरकारी राशन दुकान से राशन वितरण का फंडा अपनाया है वह मानवता के दृष्टिकोण से उचित नहीं है। राज्य सरकार इस विषय को गंभीरता से ले तथा खाने योग्य अनाज उपलब्ध करवाए। तो वही तीसरे, अमरावती जिले में ब्लैक फंगस के एक्टिव 30 केस। अमरावती जिले में कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगस ने दस्तक दी है, जिससे बाधित होकर मरीजों के आंकड़े निरंतर सामने आ रहे हैं। तो दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग के लिए यह बड़ी चुनौती बनी हुई है। अमरावती जिले में फिलहाल 30 मरीज ब्लैक फंगस के एक्टिव बताए गए हैं, जबकि 50 मरीज बाधित होकर सुरक्षित घर लौट चुके हैं। इस बीमारी पर नियंत्रण रखने हेतु विशेष विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम द्वारा निगरानी रखी जा रही है। विविध बीमारियों का यूं तो आना जाना लगा रहता है, लेकिन पिछले 1.5 वर्ष से ऐसे घातक वायरस और बीमारियों ने सभी को झिंझोड़ कर रख दिया है और जीवन शैली पर बुरा प्रभाव पड़ा है। कोरोना वायरस का कहर एक तरफ बढ़ते जा रहा है तो दूसरी ओर ब्लैक फंगस के कदम अमरावती जिले में पड़ने से नई मुसीबत आ खड़ी हुई है। तो वही तीसरे और 150 रेमडेसिविर इंजेक्शन का वितरण। जिले के निजी अस्पतालों को जिला प्रशासन द्वारा 150 रेमडेसिविर इंजेक्शन का वितरण किया गया है। यह जानकारी जिलाधिकारी कार्यालय ने दी है। इसमें वाशिम के कोविड अस्पताल में 6, लाइफलाइन अस्पताल में 13, बिबेकर अस्पताल में 6, देवले अस्पताल में 21, वाशिम क्रिटिकल अस्पताल में 7, पल्स अस्पताल में 21, बाहेती अस्पताल में 5, रेनॉल्ड मेमोरियल अस्पताल में 6, घुगे अस्पताल में 5, मुसले अस्पताल में 3, काकड़े अस्पताल में 9, नवजीवन अस्पताल में 13, नाथ अस्पताल में 17, कानडे अस्पताल में 11, धनवंतरी अस्पताल में 2, सिटी अस्पताल में 1, बालाजी अस्पताल में 1 व रिसोर्ट के सिटी केयर अस्पताल में 2। इस प्रकार से कुल 150 रेमडेसिविर इंजेक्शन वितरित किए गए हैं। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।